व्यवहार संगवारी हो आप सब मला अपन चैनल छत्तीसगढ़ी ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप मन भर लेके आए हूँ वीडियो कि घर में किस तरह से गंगा मैया की पूजा करना है पूर्णिमा के दिन और दीपदान करना है। तो सबसे पहले हमन ले वो कोई भी बड़े साफ बर्तन में पानी परात में लो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई स्वच्छ टब में, जिस प्रकार के में भी आप मन ले सका था। और ये हो देखा हमन ले हन पानी टब में, और ओकर बाद ये हमर पूजा सामग्री जेमे है फल, मीठा, सफेद तिल जेकर बहुत ज्यादा महत्व है दान करे के, और मिश्री भोग के लिए, और फूल, फिर ये फूल बाती, और यह घी में भिगोए हुए है, और चंदन, सिंदूर, धूप, और ये वस्त्र कोई भी प्रकार के दान करे बर, और ये पैसा दान करे बर, और ये पान के पत्ता जेमे हमला दीप दान करना है। और पान के पत्ता के जगह आप मन दोना भी ले सका था, केला पत्ता ले सका था, कोई भी हल्का चीज जिमें डूबे मत दिया। और ये दिया जिला आप मन देखा था 365 दिन के एक ही दिन जलाए बर, जे हरे कलेवा के जिला कथे रक्षा सूत्र भी ओकर बाती है 365 तो जिला घी में भिगो करके रखा गया है। और ये हरे गंगा जल जो की बहुत ज्यादा जरूरी है घर में गंगा मैया ला पानी में मिला करके गंगा जल ला जिला हमन गंगा माता के रूप बनाए गए हन। तो चला शुरू करता हूँ वीडियो ला। तो शुरू करे से पहले आप मन से मोर प्रार्थना ही निवेदन ही कि प्लीज मोर चैनल ला लाइक सब्सक्राइब कर दिया। ये देखा हमन सबसे पहले पानी ले हन टब में, और वो पानी में अभी हमन मिलाबो गंगा जल। ये हरे देखो गंगा जल जेला हमन पानी में मिला था एला, जैसे कि आप मन कहावत तो सब सुने हुई है, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। तो वही प्रकार से हमन की श्रद्धा भाव भक्ति से हमन आज अपन घर में गंगा मैया ला पूजा करत हन। तो ये देखो गंगा माता में हमन नेला सजा देत हन थोड़ा सा पुष्प से। ये कोई भी प्रकार के पुष्प फूल आप मन ले सका था जो भी आप मन के घर में ही, जितना ज्यादा पूजा पाठ के सामान जो भी हमन अपन घर में प्रयोग करथन पूजा के, वही सब सामग्री वहां भी जरूरत पड़ते पूजा के। और ये हो गए हमर गंगा माता ला पुष्प से सजा देहन। अब एकर बाद हमन ला करना का है, ये सारा सामग्री ला पूजा पाठ करना है। जैसे हमन गंगा मैया के पूजा करथन वैसे ही, तो ये चंदन चंदन लगा देवो गंगा माता ला, ओकर बाद ये लगा देवो सिंदूर, पुष्प चढ़ा देवो गंगा मैया ला। फूल ला कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाया जाए, तो ओकर बार मतलब फूल ला सीधा ही चढ़ाना चाहिए। माला भी तैयार कर सकत हन, हर चीज मतलब गंगा माता ला हमन ला जो भी, और तिल ला दान करना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा हमन तिल ला गंगा माता में चढ़ा देथन, मिश्री के भी, और ये फल, जो वस्त्र, जो हमर दान की सामग्री है वो सब ला हमन अर्पित कर देवो गंगा माता में। और ओकर बाद ये ला हमन दान कर दे वो कोई भी महाराज महाराजीन जो भी आप मन के आस पड़ोस में हो ही मल्ला। और ये मीठा मल्ला भोग लगा दे वो, ये मीठा मन के भोग लगी तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दे वो। और ओकर बाद ये जो दीपक हमन बनाए हन एला भी जला दे वो यहाँ पे, जला करके छोड़ देवो। और ओकर बाद ये हमन दिया दीप दान करे बा गंगा मैया में जो बाती है फूल बाती, और ओकर लिए छोटा छोटा सा ये आटा के दिया बनाए हन, ये देख सका था आप मन, जेमे हमन कर वो बाती ला ऐसे करके। ये आप मन जितना भी दीप दान कर सका था 365 तो दीप दान कर सका था पूरा साल भर के, आप मन 5 दीप दान कर सका था, 11 कर सका था, 21 51 108 जितना आप मन की शक्ति है, श्रद्धा है, भाव है, जितना भी आप मन ओला कर सका था। और ये देखो इस तरह से पान में रख ले वो मल्ला,
सब ला पान में रखे के बाद जला लेबो और जला करके गंगा मैया में हमन दीपदान करबो। दीपदान करे ले हमन ला बहुत सौभाग्य की प्राप्ति होते। हर दिन वैसे तो दीपदान करना चाहिए कार्तिक के महीना में, लेकिन नीकर पान हमन जेकर वजह से हमन ला पूर्णिमा के दिन पूरा साल भर के ला करना है। और ये देखा हमन 365 जो दीप जलाए हन तेला आरती कर लेबो गंगा मैया में। हे गंगा मैया, हमर जो भी पाप है, दुख है, दंड है, सबला दूर कर, अपन कृपा दृष्टि हमर पे बनाए रखिया। ओकर करके प्रार्थना करके हमन ला ये दीप ला यहाँ पे रख देना है गंगा मैया के तट में 365 दिन के। और ये गंगा मैया के पानी ला आचमन करके हमन ला प्रणाम करना है। और ओकर बाद जो हमन दीप ये दान करे बर बनाए हन, 5 दीप दान करत हन हमन, ओला जय गंगा मैया करके ऐसे दीप ला हमन छोड़ देबो गंगा मैया में। दीप दान करे के मतलब दिया जलाना है, जेला हमर छत्तीसगढ़ी भाषा में दिया ढीलना कथन हमन। तो ये हरे हमर दिया।